नमस्कार, पीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवेंथ इंग्लिश से लेसन नंबर वन, द रेनबो, इंद्रधनुष। देखिए बच्चों, इंद्रधनुष का चित्र बना हुआ है। बोट सेल ऑन द रिवर, नावें नदियों में चलती हैं। एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, और जहाज समुद्रों में चलते हैं। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, परंतु क्लाउड्स यानी बादल जो आसमान के आर पार चलते हैं, आर प्रिटियर फॉर देन दिस, इनसे कहीं अधिक खूबसूरत होते हैं। देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स, नदियों पर पुल होते हैं। एज प्रिटी एज यू प्लीज, जो उतने ही सुंदर होते हैं जितना हम प्रसन्न होते हैं। बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन, परंतु वह धनुष जो कि एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज, वृक्षों के ऊपर से होते हुए स्वर्ग तक पुल बनाते हैं। एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और पृथ्वी से आसमान तक सड़क का निर्माण करते हैं। इज प्रीटियर फॉर देन दीज, इन सबसे बहुत अधिक सुंदर हैं। तो क्रिस्टीना जॉर्जिना रोजिस्टी ने इसे लिखा है। इसके उच्चारण को हम एक बार फिर से देखिए, अनुवाद को समझते हैं। नावें नदियों में चलती हैं, जहाज समुद्रों में चलते हैं, परंतु बादल जो आसमान में आर पार चलते हैं उनमें कहीं अधिक खूबसूरत हैं। बादल जो आसमान के इस पार से उस पार चलते हैं ना, इनसे कहीं अधिक खूबसूरत हैं। नदियों पर पुल होते हैं जो उतने ही सुंदर हैं जितने हम प्रसन्न होते हैं। परंतु वह धनुष जो वृक्षों के ऊपर से होते हुए स्वर्ग तक पुल बनाते हैं, और पृथ्वी से आसमान तक सड़क मार्ग का निर्माण करते हैं, वह इन सभी से बहुत सुंदर हैं। एक्सरसाइज में लेते हैं, लिसन एंड रिपीट, सुनो और दोहराओ। यू हैव रीड द पोयम, पोयम को पढ़ो। फाइंड आउट विच लाइन्स एंड विथ सिमिलर साउंड्स, कि कौन सी लाइन सिमिलर साउंड से मिलते जुलते स्वर से समाप्त होती है। उन अक्षरों को हमें छांटना है, जैसे कि एग्जाम्पल यहां दिया हुआ है, अर्थ बर्थ वर्थ, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। सेल मेल पेल, इसी तरह से ट्रीज सीज दीज, इस तरह से शब्दों को हमें छांटना था। बी नंबर की एक्सरसाइज है, लिसन टू द सेंटेंसेस गिवन ब्लो केयरफुली, तो नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उन्हें ध्यान से सुनो। एंड देन चूज द वर्ड्स दैट राइम एंड राइट देम इन द टेबल गिवन, इनमें राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं उन्हें नीचे दिए गए टेबल पर लिखना है। आई लाइक टू बाइक अ बर्थडे केक, तो देखिए आई लाइक टू बैक अ बर्थडे केक। वंस अ किंग लर्नड हाउ टू सिंग, अ कैट सेट ऑन अ मैट, द लिटिल बॉय डांस्ड विथ जॉय, अ हैन रोट विथ अ पेन, द फ्रॉग सेट ऑन अ लॉग। तो यहां पर राइमिंग वर्ड्स हमें बनाना है। तो नंबर एक पे जैसे दिया है कि बैक का राइमिंग वर्ड केक है, इसी तरह से किंग, किंग का राइमिंग वर्ड क्या दिया हुआ है, सिंग, फिर कैट मैट, इसी तरह से आप देख लीजिए और क्या है, बॉय
बॉय का जॉय, फिर हैन, हैन का राइमिंग वर्ड है पेन, और फ्रॉग, फ्रॉग का राइमिंग वर्ड्स क्या है, लॉग है। इस तरह से यह टेबल कंप्लीट करना है। कॉम्प्रिहेंशन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुनना है। व्हाट डू यू थिंक द पोयम इज अबाउट, आप क्या सोचते हो यह पोयम किस बारे में है। द पोयम इज अबाउट क्लाउड, ब्रिजेस या रेनबो, किस बारे में है, तो यह इंद्रधनुष के बारे में है। तो द रेनबो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। अगला है, वेयर डू बोट्स एंड शिप्स सेल, नावें और जहाज कहां पर चलते हैं। तो देखिए आप देख लेते हैं यहां पर कि रोड, स्काई या रिवर। बोट्स सेल ऑन, बोट्स कहां चलती हैं, रिवर में चलती हैं, तो यहां जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। शिप्स सेल ऑन, और जहाज कहां पर चलते हैं, रिवर में, सी में या एनीवेयर, कहां पर चलते हैं, सी में चलते हैं, तो यहां पर सी में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे फिर देखते हैं। द रेनबो मेक्स अ ब्रिज, रेनबो क्या बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, बांध बनाते हैं। कहां पर बनाते हैं, ओवर ट्रेंस, ट्रेंस के ऊपर बनाते हैं क्या। फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई, धरती से आसमान तक। ओवर टॉल बिल्डिंग्स, क्या ऊंची इमारतों पर। तो द रेनबो मेक्स ब्रिज फ्रॉम द अर्थ टू स्काई, तो आंसर नंबर बी यहां पर सही है, धरती से लेकर आसमान तक बनाते हैं। फिर चौथा है, द प्रीटीएस्ट ब्रिज इज, सबसे सुंदर, सबसे सुंदर ब्रिज क्या है। द प्रीटीएस्ट ब्रिज मेड बाय क्लाउड्स, मेड बाय रेनबोस, मेड ओवर रिवर्स, नदियों, देखिए क्लाउड्स, तो यहां पर जो होगा मेड बाय अ रेनबो, है ना, इंद्रधनुष के द्वारा बनाया गया जो ब्रिज है वह सबसे प्रीटीएस्ट होगा, सबसे सुंदर होगा। द रेनबो इज द, पांचवा है, द रेनबो इज द प्रीटीएस्ट, प्रीटी यानी सुंदर, प्रीटियर यानी उससे सुंदर, और प्रीटीएस्ट यानी सबसे सुंदर। द रेनबो इज द प्रीटीएस्ट आ जाएगा यहां पर। ठीक है बच्चों, आगे है वर्ड पावर, पिक द ऑड वर्ड आउट एंड इन सर्कल इट एज गिवन इन द एग्जाम्पल। तो हमें क्या करना है, अलग को छाट कर उस पर सर्कल बनाना है। ठीक है, देखो यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, रिवर, पॉन्ड, नदी, तालाब, सी, तो यहां पर रोड जो है वो अलग है, नदी, तालाब, समुद्र, तो तीनों जल से, जल के स्रोत हैं, रोड अलग है तो उस पर सर्कल बना हुआ है। इसी प्रकार शिप, बोट, एरोप्लेन, याच, तो देखिए नाव, जहाज और बोट सब तो पानी में चलते हैं, एरोप्लेन हवा में चलता है, तो इस पर सर्कल लगा देंगे। फिर अगला है क्लाउड, स्टार, मून, अर्थ, तो ये बादल जो हैं, तारे हैं, चंद्रमा हैं, सब आसमान में होते हैं, अर्थ जो है वो जमीन है, इसलिए अर्थ पर घेरा लगा देंगे। सी, बस, ट्रैक्टर, कार, तो बस, ट्रैक्टर, कार तो जो है यातायात के साधन हैं, तो यहां पर हम सी पर सर्कल कर देंगे। फिर है ग्रीन, ऑरेंज, येलो, फ्लावर, ग्रीन, ऑरेंज और येलो रंगों के नाम हैं और फ्लावर फूल है, तो यहां पर फ्लावर पर सर्कल कर देंगे। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स अप्रोप्रिएटली इन द सेंटेंस,
गिवन ब्लो. प्रीटी, प्लीजेस, रेनबो, क्लाउड्स और सेल, इन शब्दों का इस्तेमाल करके खाली स्थान को भरना है. तो देखिए पहला है सिप्स. सिप्स डैश ऑन सीज, सिप्स सेल ऑन सीज. दूसरा है आई सा डैश इन द स्काई यस्टरडे, मैंने आसमान में कल क्या देखा, रेनबो, आर ए आई एन बी ओ डब्ल्यू, रेनबो. फिर है डैश आर ऑफन सीन इन द स्काई इन द रेनी सीजन, तो बारिश के समय में अक्सर आकाश में क्या देखा जाता है, तो देखिए बारिश के सीजन में क्या हो जाते हैं, क्लाउड, बादल देखे जाते हैं ना, तो यहां लिख देंगे क्लाउड्स ऑफन सीन इन द स्काई इन द रेनी सीजन. फिर नम्रता इज अ डैश गर्ल, तो नम्रता क्या है, प्रीटी, सुंदर गर्ल है, तो पी आर ई डबल टी वाई, प्रीटी गर्ल. नेचुरल ब्यूटी ऑलवेज डैश मी, नेचुरल ब्यूटी यानी प्रकृति की सुंदरता अक्सर मुझे खुशी देती है, प्लीजेस, पी एल ई ए एस ई एस, प्लीजेस. फिर आगे है ग्रामर इन यूज, ग्रामर इन यूज, रीड द फॉलोइंग टेबल, नीचे दिए गई टेबल को हमें पढ़ना है. प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटियस्ट यानी यहां पर हो गया सुंदर, उससे सुंदर, सबसे सुंदर, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री. देखिए डिग्री के तीनों रूप यहां पर दिए गए हैं, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव, तो इनकी हमें प्रैक्टिस करना है बच्चों. तो देखिए ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस, हाई, हायर, हाईएस्ट, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, फ्रेश, फ्रेशर, फ्रेशेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, थिक, थिकर, थिकेस्ट. इस तरह से हमें इन विशेषणों की तीनों रूपों को अच्छी तरह से समझना है बच्चों. तो देखिए अब आप बढ़ते हैं आगे. नाउ मेक सेंटेंसेस यूजिंग द एडजेक्टिव्स गिवन ब्लो, नीचे दिए गए एडजेक्टिव का यूज करके सेंटेंस बनाना है. जैसे शुभ्र इज प्रीटी, हर सिस्टर इज प्रीटियर देन हर. तो देखिए शुभ्र कैसा है, सुंदर है, परंतु उसकी बहन उससे अधिक सुंदर है. इसी तरह से यहां पर ग्रेट, ग्रेटर, अधिक सुंदरता को दिखाने के लिए, कॉम्परेटिव डिग्री को दिखाने के लिए ईआर जनरली लगाया जाता है. वाइज, वाइजर, बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान. ब्राइट, चमकीला. ब्राइटर, अधिक चमकीला. फ्रेश, ताजा. फ्रेशर, अधिक ताजा. हाई, ऊंचा. हायर, उससे ऊंचा या उच्चतर. फिर देखिए लेट्स टॉक, आओ बात करें. Ask your friends the following questions and find answer. नीचे दिए गए प्रश्न अपने दोस्तों से पूछना है और उत्तर पाना है. In which season is a rainbow often seen in the sky? किस सीजन में अक्सर इंद्रधनुष देखा जाता है आसमान में. How many colors are there in a rainbow? और रेनबो में कितने रंग होते हैं, ऐसा हमें पूछना है. तो ये रेनी सीजन में देखा जाता है और उसमें सात रंग होते हैं. इस तरह का प्रश्न उत्तर आपको प्राप्त होगा बच्चों. वर्क इन पेयर्स और ग्रुप्स ऑफ फोर एंड मैच द टू कॉलम. तो देखिए दोनों कॉलमों को हमें मिलाना है, सही जोड़ी बनाना है. सबसे पहले है अ रेनबो, इंद्रधनुष. इंद्रधनुष कब दिखता है, इन रेनी सीजन से मिला देंगे इसे. अ रेनबो इन रेनी सीजन से मिला दिया. अ रॉकेट, रॉकेट हमें कहाँ दिखेगा, इन स्पेस में दिखेगा, तो यहाँ पर स्पेस से मिला देंगे.
एन एरोप्लेन, हवाई जहाज हमें कहाँ दिखेगा, फ्लाइज इन द स्काई, तो इन द स्काई से मिला देंगे। फिर अ ब्रिज, बांध हमें कहाँ दिखेगा, अ ब्रिज, तो हमें बनाना होता है नदियों को पार करने के लिए, ओवर द रिवर। और अ रोड, रोड हमें कहाँ दिखेगी, फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमें रोड दिखेगी। तो इस तरह से हमें इन्हें सही शब्दों को उनके सामने लिख देना है बच्चों, यह जोड़ी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सिक्स्थ नंबर पर है, लेट्स राइट, आओ लिखें, राइट अ पैराग्राफ ऑन रेनबो, इंद्रधनुष पर एक पैराग्राफ लिखना है यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए शब्दों का इस्तेमाल करना है, रेनबो, स्काई, रेनी सीजन, क्लाउड्स, ब्यूटीफुल, प्रीटी, कलर्स, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, इस तरह से रंगों का भी यूज करना है। तो देखिए किस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं, सबसे पहले तो हम ब्यूटीफुल का इस्तेमाल कर देंगे और बोल देंगे कि द रेनबो इज अ वेरी ब्यूटीफुल, और कब दिखता है, इट इज सीन इन द रेनी सीजन, इसका इस्तेमाल हो गया, इन द स्काई, आकाश में दिखता है ना। और ये क्या होता है, हमने पढ़ा है, इट फॉर्म्स अ ब्रिज बिटवीन अर्थ एंड द स्काई, यह क्या होता है, धरती से आसमान के बीच में एक ब्रिज होता है ना बच्चों। फिर हम बता देंगे कि इट हैज अ बैंड है, यह एक धनुष है ऑफ सेवन कलर्स, सेवन कलर्स का एक धनुष है, और कौन कौन से सेवन कलर्स हैं तो बता देंगे, उसमें लिख देंगे हम, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना बच्चों। इस तरह से पैराग्राफ बन जाएगा। आगे देखिए, लेट्स डू इट, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ रेनबो एंड कलर इट, आल्सो राइट द नेम्स ऑफ द कलर यू हैव यूज्ड, तो आपको एक रेनबो का पिक्चर ड्रॉ करना है और उसमें रंगों के नाम भी लिखना है, नेम्स ऑफ द कलर्स, तो रेनबो में कौन कौन से कलर्स होते हैं वो चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहले लिख दिया वॉलेट, वॉलेट लिख दिया, फिर उसके बाद लिख दिया इंडिगो, फिर तीसरा कलर ब्लू, फिर चौथा कलर ग्रीन, है ना बच्चों, फिर येलो, फिर ऑरेंज, और फिर रेड, बैजानी, हपी, नाला, ऐसे हम हिंदी में इनके नाम याद रखते हैं, बैजानी, हपी, नाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है बच्चों, तो आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, धन्यवाद।